दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है, श्रिंकेज ऑफ पेनिस, यानी लिंग का सिकुड़ जाना, लिंग का छोटा हो जाना। ये प्रॉब्लम क्यों होती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? तो हमारे सामने एक पेशेंट बैठे हैं, पहले उनकी तकलीफ समझते हैं, फिर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है ये प्रॉब्लम है, आपको जो ये प्रॉब्लम सबसे अधिक क्या प्रॉब्लम था? ये प्रॉब्लम जो है मेरे को हो गया, आपको सिकुड़ेपन की प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ पेनिस सिकुड़ा हुआ सा रहता है और मतलब ठीक तरीके से मतलब उसकी लेंथ जो है प्रॉपर नहीं है। कब से ऐसा लगा आपको? ये करीब हो गए 6-7 साल हो गए मेरे को इस चीज़ प्रॉब्लम के लिए, लेकिन अभी तो बेहतर कोई डॉक्टर नहीं मिला, इसलिए मैं अब जाके जो भी, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो पेनिस का जो साइज होता है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना ब्लड फ्लो है, नंबर वन। नंबर टू, शुरू में कितना डेवलप किया है। नंबर थ्री, कितना फैट है और कितने अदर हार्मोन, सेक्स हार्मोन नॉर्मल है या लो है। तो जब भी कोई हार्मोन, मेल हार्मोन डिसऑर्डर होगा तो पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और पूरा पेनिस डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेनिस छोटा श्रिंक दिखेगा, नंबर। नंबर टू, अगर किसी की वजह से पेनिस ब्लड फ्लो कम हो, चाहे हार्मोन कमी की वजह से, या पेनिस की नसों की कमी की वजह से, या पेनिस ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, या पेनिस ब्लड फ्लो जाए वापस लीक बैक कर जाए, अगर कुछ भी होगा, तो जब पेनिस के ब्लड फ्लो कम होगा तो वो फुल साइज अटेंड नहीं कर पाएगा और पेनिस छोटा श्रिंक एंड सॉफ्ट रहेगा। थर्ड कारण होता है कि अगर किसी के पेनिस के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, उसे बोलते हैं पेरोनी डिसीज, जिसका पेनिस साइज छोटा और श्रिंक हो जाता है। फोर्थ क्या होता है कि किसी वजह से अगर हमारे कुछ हार्मोन डिसऑर्डर होते हैं, लाइक कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, थायराइड हार्मोन, कई हार्मोन गड़बड़ी से बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाता है, जिसकी जो फैट जो है पेनिस के अंदर छिपा लेता है, तो दैट वी कॉल हिडन पेनिस। उसमें पेनिस छोटा श्रिंक दिखता है। फिर कितने बार लड़के वो स्ट्रेस आ जाता है, बहुत स्ट्रेस, किसी वजह स्ट्रेस हो, चाहे हैंड प्रैक्टिस स्ट्रेस हो, सिर पतन स्ट्रेस हो, पारिवारिक स्ट्रेस हो, पढ़ाई, कोई भी स्ट्रेस होगा, तो ब्रेन में स्ट्रेस केमिकल निकलता है एड्रेनलिन, जो पेनिस के ब्लड फ्लो कम करके और उसके मसल को श्रिंक करके पेनिस छोटा कर देता है। बट अधिकांश लोग के अंदर हार्मोन टेस्ट करने के बाद, उसका ब्लड फ्लो चेक करने के बाद, डिटेल सेक्स काउंसलिंग करने के बाद, जो भी कमी निकलती है उसको डायग्नोज करके बाई मेडिसिन, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्मोन थेरेपी जिससे पेनिस के जो ओरिजिनल साइज अचीव होता है, और सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज के बाद इस प्रॉब्लम को 3 से 5 महीने के अंदर परमानेंट ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप सब जान लो। अगर पेनिस साइज पहले एक बार नॉर्मल आ चुका था तो फिर से ट्रीटमेंट के बाद पहले जैसे नॉर्मल साइज जरूर आ जाएगा। तो बिना घबराए आप अपना अच्छे डॉक्टर दिखाएं और इलाज कराएं, आपकी प्रॉब्लम पहले जैसे, पेनिस साइज पहले जैसे वापस आ जाएगा। तो आई होप यू नॉलेज मिला कि पेनिस श्रिंक क्यों करता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, आराम से ठीक हो जाए, बट ध्यान रखिए आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर पर जाएं। नीम हकील लोग डरा के पैसा वसूल लेते हैं, आप उन्हीं डॉक्टर पर जाएं जो पहले जांच करें, जांच के बाद डायग्नोसिस बनाएं और फिर दवा लिख के दें। टेस्टिंग मुश्किल से खर्चा इसका आता 1000 से लेकर 3000 रुपये, आस पास 4000 टेस्टिंग खर्चा आता है। मेडिसिन कॉस्ट मुश्किल 30 से 50 रुपये रोज़ की दवा आती है, जो 4 से 5 मिनट ठीक हो जाती है। कोई नीम की बिना जांच के दवा दे तो मत ले, हमेशा दवा लिखवाएं, प्रिस्क्राइब कराएं और बाहर मेडिकल स्टोर से खुद खरीदें, जिससे आपको पता हो क्या दवा खा रहे हैं। मैं देखा अक्सर इस बीमारी में लोगों नीम की ठग लेते हैं, तो आप ठगे मत जाइए, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर दिखाइए और अपना इलाज कराइए, जिससे आप पूरी तरह ठीक हो पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।